हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर समीकरण ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में फर्स्ट, और हमने 10th का क्वेश्चन कर लिए थे, वो 11th तक कर लिए थे ना। चलिए 12 और 13 भी करेंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे। अभी तुम क्वेश्चन नंबर देखिए, 14 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 12 और 13 को भी करेंगे, लास्ट में कर लेते हैं इनको। चलो 14 में देखो क्या दिया, 14 में साइन में सीरीज दे रखी, ठीक है, तो किसके बराबर मान लीजिए इसको, एस के बराबर मान लीजिए। का फर्स्ट पार्ट कर रहे लेट एस बराबर साइन अल्फा आर प्लस एन इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपोन फैक्टोर टू लिख सकते हैं या वन इंटू टू, चलो फैक्टोर टू लिख दिया मैंने इसको। साइन कितना, अल्फा प्लस टू बीटा प्लस डॉट कहां तक, टू एन प्लस वन टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी सीरीज लिखेंगे, ठीक है, लिख लेंगे क्या इट्स ऑक्सिलरी सीरीज, ठीक है, ऑक्सिलरी सीरीज। तो ऑक्सिलरी सीरीज को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, यहाँ क्या जाएगा कोस अल्फा प्लस एन इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, साइन की जगह क्या जाएगा कोस आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस टू बीटा, मतलब जोड़ना इनको हमें एन प्लस वन टर्म्स का, सी प्लस आई एस निकालिए, सी प्लस आई एस बराबर कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा ई की पावर आई अल्फा हो जाएगा एन ई की पावर आई अल्फा प्लस बीटा प्लस एन इंटू अपॉन फैक्टोरियल टू ई की पावर आई अल्फा प्लस टू बीटा, कहाँ तक जोड़ना हमें इसको, एन प्लस वन टर्म्स का, ठीक है। तो इसमें कॉमन बोलिए कितना कॉमन आ रहा, इसमें कॉमन आ रहा ए की पावर आई अल्फा, देखिए क्या बचाएगा यहाँ से, वन प्लस आई बीटा प्लस एन इंटू फैक्टोरियल टू ए की पावर आई टू बीटा प्लस टू 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 एन प्लस वन टर्म्स, ठीक है। तो एक चीज पढ़ी होगी तुमने, वन प्लस एक्स की पावर एन, लिख देता हूँ तो इसको साइड में देख लेना, तो क्या चीज पढ़ी तुमने, वन प्लस एक्स की पावर एन, तो ये चीज किसके बराबर होती थी, वन प्लस एन एक्स है ना, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू कितना एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से कहां तक जाती थी, यदि एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो एन प्लस वन टर्म्स तक जाती थी सीरीज, ठीक है। तो ये सीरीज में अप्लाई कर दीजिए, मैंने ऊपर लिखी ए की पावर कितना आई अल्फा, तो किसके बराबर जाएगा ये, वन प्लस एक्स की जगह कौन है ए की पावर आई बीटा की पावर कितना हो जाएगा एन के बराबर हो जाएगा। e की पावर आई बीटा का फॉर्मूला खोलना, e की पावर आई अल्फा वन प्लस ये हो जाएगा कितना कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा की पावर कितना एन, कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलना जिससे कि मन कट जाए, e की पावर आई अल्फा वन प्लस कितना होता है टू कोस स्क्वायर बीटा बाय टू माइनस वन प्लस आई साइन बीटा को क्या लिख सकते हैं टू साइन बीटा बाई टू इंटू कोस बीटा बाई टू की पावर एन, किसके बराबर चल रहा है सी प्लस
आइए इसको ग्राफ चल रहा है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए इससे आगे देखिए, वन से वन कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, सी प्लस आई अल्फा, और कितना यहाँ पे आई अल्फा, और कॉमन बोलना इसमें टू कॉमन आ जाएगा और कोस थीटा बाई टू आ जाएगा, तो कितना बचेगा ये टू की पावर एन इंटू कोस आएगा, तो कोस की पावर भी कितनी हो जाएगी एन थीटा बाई टू, क्योंकि सारी की पावर कितनी है एन है, तो एन आएगा बाहर, और कितना बच जाएगा ये कोस थीटा बाई टू, कोस थीटा बाई टू प्लस आई साइन बीटा बाई टू की पावर कितनी एन, तो ई की पावर क्या आ जाएगा यहाँ से, कितना है टू की पावर एन इंटू कोस की पावर एन बीटा बाई टू, ई की पावर कितना आई अल्फा, ये कितना जाएगा ई की पावर आई बीटा बाई टू की पावर कितनी एन, या लिख दो सीधा एन बीटा बाई टू हो जाएगा ये आई एन बीटा बाई टू, जुड़ जाएंगी पावर टू की पावर एन इंटू कोस एन बीटा बाई टू ई की पावर आई कॉमन आ जाएगा अल्फा प्लस कितना हो जाएगा एन बीटा बाई टू, टू की पावर कितनी एन कोस की पावर एन बीटा बाई टू, बोलना क्या आ जाएगा ये कोस अल्फा प्लस एन बीटा बाई टू प्लस आई साइन अल्फा प्लस एन बीटा बाई टू, तो किसके बराबर है ये सी प्लस आई एस। तो हमने शुरू में क्वेश्चन ऐसा मानना था या सी मानना एस मानना था, तो इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो लिस्टिंग इसमें क्या इक्वेटिंग इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, तो एस बराबर कितना जाएगा यहाँ से टू की पावर एन कोस की पावर एन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस एन बीटा बाई टू बीटा बाई टू, प्लीज का आंसर आ गया करीब। चलिए इसके बाद 14 का सेकंड पार्ट देखिए। तो 14 के सेकंड पार्ट में साइन दे रखा था, हमने किसके बराबर मान लिया एस के बराबर मान लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे इसकी ऑक्सिलरी सीरीज, तो लिख देंगे क्या इट्स ऑक्सिलरी सीरीज। तो ऑक्सिलरी सीरीज बोलिए क्या होती है इसकी, सी से डिनोट करेंगे ना, तो सी बराबर वन भी लिख लेना, समय एस नहीं लेना, क्या लेना हमें सी, इसमें तुम लिखना वन प्लस एन साइन की जगह क्या जाएगा कोस अल्फा, सीरीज बनाने के लिए वन भी ले लिया, नहीं भी लेंगे तो वन जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा फिर बाद में, तो इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया वन ले लिया। हाँ तो फिर आगे बोलो, साइन यहाँ आ जाएगा कितना एन एन माइनस वन अपोन फैक्टोरियल टू साइन एल टू अल्फा की जगह क्या जाएगा कोस टू अल्फा जाएगा प्लस, ठीक है, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बटे फैक्टोरियल थ्री कोस थ्री अल्फा प्लस डॉट डॉट टू एन प्लस वन टर्म्स हो जाएंगी, एन प्लस वन नहीं होंगी क्या, वन फालतू नहीं जुड़ेगा ये, तो क्या निकाल लेंगे इसके बाद हम सी प्लस आई एस, वन को तो अलग लिखना, इन दोनों को जोड़ना, एन कॉमन आएगा ई की पावर आई अल्फा बचेगा प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपोन फैक्टोरियल टू ई की पावर कितना आई टू अल्फा, चलिए डॉट डॉट ये सी आ जाएंगे, ये कहाँ तक जाएगा ये एन प्लस वन टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। तो देखना किसकी सीरीज बन रही है, ये सीरीज बन रही है किसकी, वन प्लस ई की पावर आई अल्फा की पावर एन की सीरीज बन रही, ठीक है। तो 14 के जैसे ही बन जाएगा ये कोस ई की पावर आई अल्फा का फॉर्मूला खोल लेंगे तो हो जाएगा ये, कंप्लीट करना इसको खुद, इतना हिंट नोट कर लीजिए।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में कोस में सीरीज दे रखी, इसलिए हमने क्या मान लिया सी। या 1 इंटू 2 दे रखा तो हमने उसको क्या लिख लिया, फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो इसकी ऑग्जिलरी सीरीज लिखेंगे इसके बाद। तो इसकी जो ऑग्जिलरी सीरीज है भाई, पावर वालों से जो अलग होते हैं उनको देखते हैं। पावर वालों से अलग यानी कि जैसे यहाँ दिया कोस दिया और यहाँ कितना दिया, इनकी तो पावर में दे रखी। कोस की पावर कितनी, तो पावर वालों को नहीं देखते उनसे अलग, जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया उनसे उन्हें देख के हमने किसके बराबर मानना, इसको सी के बराबर मानना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी ऑग्जिलरी सीरीज लिखेंगे। तो इसकी ऑग्जिलरी सीरीज को किससे डिनोट करेंगे, एस से। फर्स्ट टर्म छोड़ देना, यहाँ से लेना, हमें ना सीरीज बनानी होती है। तो इसलिए देखिए फर्स्ट टर्म को क्यों छोड़ा भी बताऊंगा मैं। इसमें माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ एन कोस की पावर कितना, एन माइनस वन इंटू अल्फा। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपोन फैक्टोरियल टू कोस की पावर एन माइनस टू इंटू अल्फा। यहाँ क्या जाएगा, साइन टू अल्फा हो जाएगा। एन प्लस वन टर्म्स तक या एन टर्म्स तक, एक घट गई इसमें से, टू एन टर्म्स तक आएगा ये। भाई तुमने ये सीरीज ना पढ़ी क्या, एक्स प्लस ए की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ए, इस तरीके से। तो जैसे एक्स की पावर एन है, एक्स की जगह ये आ रहा, तो मैं सीरीज बनाने के लिए इसमें मैंने इसमें कहाँ से स्टार्ट किया इसको, माइनस एन इससे स्टार्ट किया, जिससे कि इस तरीके से सीरीज बन जाए। यदि यहाँ माइनस होगा बीच में, ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस के ये आ रहे। तो इसमें ये बताइए सी प्लस आई एस कितना आएगा, सी प्लस आई एस जो आएगा इसमें कितना, कोस एन कोस की पावर एन अल्फा माइनस एन कॉमन आ जाएगा, और कॉमन कितना आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू अल्फा कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा ए की पावर आई अल्फा प्लस एन अपॉन फैक्टोरियल टू कोस एन माइनस टू इंटू अल्फा ए की पावर आई टू अल्फा टू वन। ये टर्म भी जुड़ गई, तो ये जुड़ गई तो फिर कहाँ तक चला जाएगा, ये एन प्लस वन टर्म्स तक चली जाएगी सीरीज। अब देखिए किसकी सीरीज बन गई, ये सीरीज बन गई कोस अल्फा माइनस आएगा एक्स की जगह कितना, ई की पावर आई अल्फा की पावर एन की सीरीज। यदि हम ये सीरीज खोल लेंगे, भाई मैंने कौन सी सीरीज लिखाई थी तुम्हें, एक्स माइनस ए की पावर एन की सीरीज लिखाई थी। तो यहाँ एक्स की जगह कौन, क्या बताई थी ये सीरीज, ये एक्स की पावर एन बताया होगा, माइनस एन एक्स की पावर घटाते चली जाएंगी, एन माइनस वन इंटू ए की बढ़ती हुई चली जाएगी, फिर प्लस आएगा एन एन माइनस वन बटे फैक्टोरियल टू। ठीक है, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, ए की बढ़ती रहेगी। तो देखना इस तरीके से ही आ रहा या नहीं आ रहा, इसकी पावर घट रही, फिर ए की पावर आई अल्फा उसकी बढ़ती जा रही, इसकी घटती जा रही, तो ये बन जाएगी। तो एक्स की जगह कौन है इसमें, कोस अल्फा, ठीक है, और ए की जगह कौन है, ए की पावर आई अल्फा, तो इसी के बराबर आएगी ये। ठीक है, चाहो तो इसको साइड में लिख लेना जो मैंने लिखी ये सीरीज ये। ठीक है, चलो मैंने मिटा दिया ये, देख लेना इसको, या चलो लिख देता हूँ साइड में, एक्स माइनस ए की पावर कितना, एन से बनाई ये सीरीज ये, तो बताना क्या होती है ये। सबसे शुरू में लिखवाई थी ये मैंने, ये एक्स की पावर एन माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन एन माइनस वन अपोन फैक्टोरियल टू एक्स की पावर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस डॉट डॉट कहाँ तक जाती है, ये एन प्लस वन टर्म्स तक। तो इस वाली सीरीज से हमने किया ये, तो इसमें इसका मान बताना भाई, कोस अल्फा तो है ये, ई की पावर आई अल्फा का मान कोस अल्फा प्लस प्लस के माइनस ही हो जाएगा, आई साइन अल्फा की पावर कितनी, कोस अल्फा से, तो माइनस वन की पावर एन तो अलग करना, ई की पावर एन अलग करना, और साइन की पावर कितना, एन अल्फा। तो
तो किसकी वैल्यू आ गई, ये सी प्लस आई एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना नोट करिए अभी। चलिए इससे आगे देखिए, अब हमें इसमें क्या छांटना, रियल पार्ट छांटना। क्यों रियल पार्ट छांटना, तो किसके बराबर माना था, क्योंकि हमने ये सी के बराबर माना था। तो यहाँ आई की पावर कितना आ रहा, एन आ रहा। तो अभी जब तक पावर एन है तब तक नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो इसमें दो केसेस बन सकते हैं, एन यदि ओड है और यदि एन इवन है। तो केस फर्स्ट देखिए, इसमें केस फर्स्ट में तो ये लिखेंगे, इफ एन इज इवन, यदि एन कैसी है, सम संख्या है, तो लेट मान सकते हैं एन बराबर क्या मान सकते हैं, 2m मान सकते हैं। तो देखिए c प्लस आई एस कितना जाएगा, c प्लस आई एस इक्वल टू माइनस 1 की पावर कितना, 2m i की पावर 2m साइन की पावर 2m इंटू अल्फा। माइनस 1 की पावर सम संख्या है, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा, इवन नंबर है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 1 बच जाएगा। आई स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आई स्क्वायर की पावर एम नहीं लिख सकते क्या इसको, और साइन की पावर कितना, 2m इंटू अल्फा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 की पावर क्या जाएगा, m इंटू कितना, साइन की पावर 2m अल्फा। तो हमें रियल पार्ट छांटना है, इमेजिनरी पार्ट छांटना, रियल तो सारा का सारा रियल नहीं है, ये आई थोड़ी आ रहा है इसमें कहीं भी। तो लिख देंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स छांटिए। तो रियल पार्ट्स यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखना सी की वैल्यू माइनस 1 की पावर m इंटू साइन 2m इंटू अल्फा। m का मान n में ही रख दीजिए, m का मान बताना यहाँ से, m बराबर किसके है, n बाई टू, n बाई टू रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस 1 की पावर n बाई टू इंटू साइन n अल्फा। तो एक आंसर आ गया ये। ठीक है, इसमें एक बार कौन सा केस लेना पड़ेगा, सेकंड केस। तो देखिए, चलिए m बराबर, यहाँ मैंने लिख दिया m बराबर किसके है, n बाई टू के। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में, ठीक है, तो केस सेकंड में इफ क्या लेंगे आपके, n इज ओड हो सकता है, ये ओड को ओड में क्या मानते हैं, लेट n बराबर क्या मान सकते हैं, 2m प्लस 1 होती है कोई ओड नंबर जो लेते हैं, तो इसमें रख दीजिए n की जगह 2m प्लस 1। c प्लस कितना, आई एस माइनस 1 की पावर 2m प्लस 1, आई की पावर 2m प्लस 1 इंटू साइन की पावर 2m प्लस 1 इंटू अल्फा। माइनस 1 की पावर ये है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसे अलग अलग करना, आई की पावर 2 की पावर m तो अलग हो जाएगा, इंटू आई अलग हो जाएगा, और साइन की पावर कितनी है, ये 2m प्लस 1 इंटू अल्फा। आई स्क्वायर का मान कितना, माइनस 1, माइनस 1 ये है, माइनस 1 की पावर क्या जाएगा, m प्लस 1, भाई माइनस 1 की पावर कितनी है यहाँ, 1, आई स्क्वायर माइनस 1 तो जुड़ जाएंगी पावर, इंटू कितना, i, और साइन की पावर कितनी, 2m प्लस 1 इंटू अल्फा। इधर क्या चल रहा, c प्लस आई एस चल रहा। तो इक्वेटिंग रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, रियल पार्ट है कहीं भी इसमें नहीं है, तो किसके बराबर आएगा, वो जीरो के। तो लिखते हैं इक्वेटिंग, सी मानना था तो रियल पार्ट की तुलना करेंगे, तो रियल पार्ट्स में सी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो दो आंसर आ गई, ठीक है, एक ओड के लिए आ गया ये, और ये किसके लिए, वो ये तो इवन के लिए आ गया, और ये किसके लिए आ गया, ओड के लिए आ गया। ठीक है, तो चलिए नोट करिए जल्दी इसको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।